करता हूँ। आज हम भाग नंबर 3 भूगोल का बाह्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपपर्ण और अपक्षय। अपपर्ण, पहले हम अपक्षय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अप यानि बड़ा और क्षय यानि नाश। तो अपक्षय अपक्षय तीन का के तीन प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो वहां ये प्रक्रिया के भाग नंबर 1 में हम अपक्षय और अपक्षय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आंतरिक हलचलों से की निर्मिति के कारण भूरूपों की निर्मिति होती है। भूपृष्ठ पे अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप की निर्मिति और निरंतर अपसरण होता रहता है। अभी भूपृष्ठ भाग में कार्यरत जो दाब शक्ति है, बाह्य प्रक्रिया होती है, इसमें मुख्य कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्व बल, ये सभी पृष्ठभाग से बहने वाले पदार्थ के कारण संबंधित गतिज ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के कारण इन्हीं सभी के दाब के कारण क्या होता है? अपक्षय होता है। इसे हम कुछ उदाहरण, कुछ आकृतियां देखकर हम लोग देखेंगे कि अपसरण किस किस प्रकार का होता है। तो पहले हम देखेंगे कि गुंबदाकार टीले अपपर्ण, ये भौतिक अपक्षय के उदाहरण है। दूसरा है आकृति क्रमांक 3.1 का खंडित विखंडित भौतिक अपक्षय। आकृति क्रमांक 3.ई छिन्न भिन्न अपक्षय, ये भौतिक अपक्षय के उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे भस्मीकरण रासायनिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, एक मूर्ति है वो पूरी मतलब उसके चेहरे पे काफी ज्यादा छिद्र हो चुके हैं, ये भी अपक्षय के एक उदाहरण में से हम ले सकते हैं। दूसरा आकृति क्रमांक 3.1 जैविक अपक्षय। आकृति क्रमांक 3.1 रासायनिक अपक्षय, क्षार अपक्षय। अभी हम देखेंगे कि अपक्षय किन कारणों से होता है। तो भूपृष्ठ पे जो स्थित चट्टाने, उनके कमजोर चट्टानों के टूटने, कमजोर होने, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के तीन प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अभी हम देखेंगे कि किन किन प्रदेशों में किस प्रकार के अपक्षय होते हैं या अपपर्ण होते हैं। तो जो शुष्क मौसमी प्रदेश होते हैं वहाँ इन भौतिक अपक्षय का प्रमाण अधिक दिखाई देता है,
और जो नमीयुक्त मौसमी प्रदेश होते हैं वहां पर रासायनिक अपक्षय मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, और सजीवों द्वारा जैविक अपक्षय होता है। अभी हम एक प्रयोग करेंगे, आपकी किताब में ही दिया गया है एक प्रयोग प्याज का, कि प्याज के छिलके को पैच को दो भागों में कट कर दिए। प्याज को हमने दो भागों में कट कर लिए, अभी उसके हम पार्ट पार्ट उसके छिलकों को निकालते रहेंगे। ये छिलके निकल रहे हैं, मतलब ये तो निकलेंगे ही, ये हमारा एक प्रयोग है। तो जिस प्रकार ये छिलके निकल रहे हैं, उसी तरह जो चट्टाने हैं तापमान से जल से इन कारणों से प्रक्रिया होने पर ये क्या हो रहे हैं, चट्टानों में हो रहा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अभी कि हमने क्या प्रयोग किया, कि प्याज को बीच में से काट लिया, उसके छिलकों को अलग किया। तो उसी प्रकार क्या होता है, चट्टानों के साथ भी यही होता है, तापमान से समुद्र की लहरों से और खनिज पदार्थ में उसमें स्थित खनिज पदार्थों से उसमें परिवर्तन होता है, और चट्टाने अपने आप परत दर परत निकलते जाती है। और इस प्रकार के उदाहरण हम अपपर्ण में देख सकते हैं, आकृति क्रमांक 3.1। ये अपपर्ण का उदाहरण है, इसको हमें देखने से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि उसके परत दर परत जैसे प्याज के छिलके निकलते जा रहे थे, उसी तरह चट्टान की भी परत दर परत निकल रही है। तो इसे हम चट्टानों का अपपर्ण कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि अपक्षय जो भौतिक अपपर्ण है, अपक्षय है, ये प्रमुख कितने कारणों से घटित हो रहा है। तो पहला कारण है तापमान, दूसरा है संघनी भवन, तीसरा स्फटिकीकरण में वृद्धि और दबाव में मुक्ति, और आखिरी है पांचवा जल। तो पहले हम तापमान बढ़ते तापमान पर चट्टानों के खनिजों का प्रभाव पड़ता है, इस कारण हम निहित खनिजों का प्रसरण होता है। तापमान कम होने से वह सिकुड़ती है, उसका प्रसरण होता है, कभी वो सिकुड़ती है कभी कम होती है, और उनमें तनाव निर्माण होता है, चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों में निहित खनिजों के द्वारा तापमान के अंतर मात्रा खनिज कम मात्रा में प्रसरण करते हैं, इस कारण चट्टानों में है, और परिणामतः चट्टानों में क्या होता है, दरार पड़ जाती है।
तापमान का चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है। चट्टानों में ज्यादा अत्यधिक गर्मी से कभी चट्टानों में स्थित खनिज, कुछ खनिज अधिक गर्मी में पिघल जाते हैं और कुछ कम गर्मी में पिघलते हैं। तो भिन्न भिन्न खनिजों का उसकी प्रसरण के अनुसार उसमें चट्टानों में अपक्षय होता है और चट्टानों में क्या होती है, दरार पड़ते जाती है। और इस प्रकार के अपक्षय कहाँ अधिक दिखाई देते हैं, तो उष्ण मरुस्थल प्रदेशों में, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर इस प्रकार के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश दिखाई देते हैं। अभी अगला पॉइंट देखेंगे हम तुषार। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेंगे कि आप हम सभी क्या करते हैं, फ्रिज में पानी की बोतल रखते हैं, पानी की बोतल अत्यधिक भर भर देते हैं हम लोग पानी से, तो बर्फ क्या करता है, पानी से ज्यादा आकार लेता है। तो अत्यधिक पानी होने से जब हम बोतल को निकालते हैं फ्रिज में से, तो उसके आकार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। या आप देख सकते हो कि इसके नीचे का जो हम बोतल रखते हैं वो क्या हो गई है, खराब हो चुका है अत्यधिक पानी भरने से, क्योंकि पानी की अपेक्षा बर्फ ज्यादा जगह लेता है, आकार मान में ज्यादा होता है। और कभी कभी तो क्या होता है, इसके ढक्कन फूट जाता है और इसके बाहर बर्फ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम और आप सभी देख सकते हैं, हम बहुत से बार हम लोग रख देते हैं और पानी ज्यादा भर देते हैं, तो इस प्रकार से ही क्या होता है, चट्टानों में भी आकार मान जैसे बर्फ चट्टानों में जम जाता है और वो आकार ज्यादा घेर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि चट्टानों में प्रसरण हो जाता है, चट्टाने क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये हम आकृति क्रमांक 3.1 में देखेंगे। इस प्रकार के चिन्ह भिन्न अपक्षय, भौतिक अपक्षय, बर्फ जमने के कारण टूटी हुई चट्टाने, हम आगे पढ़ते हैं। कि संघी भवन जल का आकार बढ़ जाता है। यह आप जानते हैं, जिस प्रदेश में तापमान कुछ सेल्सियस से कम होता है वहां चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। जिसका देखा कि चट्टानों में तनाव निर्माण होता है, हमने एक बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दिया और वो उसका आकार में जिस तरह परिवर्तन हो गया, मतलब उसे हम ठीक से रख नहीं पाएंगे, मतलब वो उसके आकार में ही परिवर्तन हो गया, उसी प्रकार चट्टानों में भी परिवर्तन होता है। और इस प्रकार की जो चट्टाने टूटती है, अपक्षय होता है, उसे क्या कहते हैं हम, चट्टानों के छिन्न भिन्न, मतलब छिन्न भिन्न हमने आकृति में देख लिया कि किस प्रकार आकृति चट्टान छिन्न भिन्न हो गई है। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक घटकों में विद्रव्यता और स्फटिकीकरण में वृद्धि। समुद्र तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है, वहाँ समुद्र लहरों का जल टकराता है,
सागरीय जल में तुषार चट्टानों से टकराते हैं, यह जल लवणयुक्त तो होता है, कुछ जल चट्टानों में रिसता है और सूरज की गर्मी से जल वाष्प बनकर निकलता है, और जल में स्थित लवण का स्फटिकरण होता है, और ये क्या करता है, अधिक जगह व्याप्त कर लेता है और चट्टानों में क्या होता है, तनाव निर्माण होता है, चट्टानों में रंध्र छिद्र तैयार हो जाते हैं और चट्टानों का पृष्ठ भाग मक्खियों के छत्तों के समान दिखाई देता है। इसे हम आकृति क्रमांक 3.3 में देखेंगे। सारयुक्त अपक्षय, हम इस चट्टान को देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे क्षेत्र छिद्र दिखाई दे रहे हैं, मधुमक्खियों के छत्ते के समान। हम ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो इस प्रकार की चट्टाने अथवा छोटे छोटे पत्थर हमें दिखाई देते हैं। और एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे कि माध्यम से देखेंगे हम कि एक लड्डू जिसे उसके छोटे छोटे कण को मिलाकर इसमें ये एक लड्डू बना है, उसी प्रकार चट्टानों में भी होता है। ये चट्टाने क्या हो जाती है, मधुमक्खियों के समान छत्ते जैसे दिखाई देती है। अभी अगला है दबाव मुक्त और प्रभाव मुक्त। चट्टाने केवल तापमान से ही नहीं होती, उसमें स्थित खनिजों के रिसाव से जल के कारण इसमें तनाव निर्माण हो जाता है, और वो क्रिया के वजह से क्या होते हैं, चट्टानों की परत दर परत में दबाव, मतलब पहले ऊपर की परत में, फिर निचली परत में, फिर एकदम अंदर की परत में दबाव निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, चट्टानों में निचले स्तर से अपक्षय होना शुरू हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेंगे कि किस तरह चट्टाने पहले छिन्न भिन्न और क्षारयुक्त किस प्रकार दिखाई देती है। तो हम पहले मतलब एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम कि पहले इस प्रकार की चट्टाने बड़े बड़े पत्थर अथवा ऐसे दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर थोड़े से मोटे कण, और उसके बाद एकदम बारीक कणों में हमें ये दिखाई देती है। अभी हमारा आखिरी का जो है जल आखिरी का जो पॉइंट है, वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में जल रिसने से विविध प्रकार की चट्टाने में अपक्षय होता है, जैसे बालुकाश्म और सपीडन आदि चट्टाने हैं। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकार
और उस पर दबाव से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ में बालू के कण एक साथ आ जाते हैं, से चट्टानों में जल रिसता है और एक के साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। मिट्टी जल लहरों के कारण चट्टानों में खनिजों के खनिज और मिट्टी क्या काम करती है? एक फेमिकोल का काम करती है, वो चट्टानों को समेट रखने का। जैसे हमने लड्डू देखा कि वो एक एक कण जमा है, एक एक कण जमा है और इसमें पानी या फिर हम हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कण कण निकल जाएंगे। तो जल के कारण जो चट्टानों का क्षरण होता है, अपक्षरण होता है, वो भी इसी प्रकार होता है। मिट्टी खनिज ये सब मिलकर क्या होते हैं, एक चट्टान या एक चट्टान बनती है। और पानी में के संपर्क में आने से ये क्या होती है, ये टूटते जाती है। तो आज हमने देखा कि अपपर्ण किन कारणों से होता है और इसके कितने प्रकार है, कि भौतिक अपक्षय जो है वो शुष्क मौसम में उसमें उसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है, और जो रासायनिक अपक्षय है वो नमीयुक्त प्रदेशों में अधिक दिखाई देती है, और जैविक अपक्षय जो है वो सजीवों के द्वारा दिखाई देता है। अपपर्ण किन कारणों से होता है, मतलब अपपर्ण कैसे होता है, इसको हम थोड़े से शब्दों में जान लेंगे कि चट्टानों के ऊपरी जो परत होती है वो छिलके के समान निकलते जाती है तो खुल जाती है। जैसे हमने प्याज का उदाहरण देखा और आपकी किताब में भी है प्याज का उदाहरण, तो हम उसके द्वारा एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अपपर्ण किस तरह से होता है। जैसे हमने प्याज के छिलकों को एक दर पर परत दर परत निकाल निकाली, इसी तरह तापमान जल गर्मी तापमान में आर्द्रता उष्णता नमी इन सभी कारणों से उस पर चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वो परत दर परत निकलती जाती है। और हमने भौतिक अवक्षय के भी आकृति देखे, उसमें हमने कौन कौन सी देखे, तो गुंबदाकार टीले देखे, खंडित विखंडित देखे, छिन्न भिन्न देखे, और हमने आज पढ़ा कि भौतिक अवक्षय के कारण भौतिक अवक्षय किन कारणों से घटित होता है। तो तापमान में बदलाव के कारण, खनिजों में प्रसरण सिकुड़न, प्रत्येक खनिज का सिकुड़न और प्रसरण ये अलग अलग प्रमाण में होता है। कभी खनिज प्रसरण करते हैं, कोई खनिज सिकुड़न करते हैं। इस स्थिति में जब वो चट्टान में स्थित रहते हैं तो उससे दबाव निर्माण होता है, तो तभी क्या होता है, अपक्षय होता है। और ऐसे हमने देखे कि जो उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेशों में क्या होता है कि ये अपक्षय अधिक होता है। जहाँ गर्मी अधिक होती है वहां चट्टानों में इस प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमने देखा संघनी भवन की, एक हमने बर्फ का उदाहरण लिया कि किस प्रकार बर्फ हमने रख दिया और बोतल का आकार बदल जाता है, उसी प्रकार चट्टानों में भी होता है। बर्फ क्या करता है, ज्यादा आकार लेता है। तो हमने उसके लिए कौन सी आकृति देखी, छिन्न भिन्न की आकृति देखी। इससे आकृति के माध्यम से हम समझ गए कि बर्फ ज्यादा आकार लेता है, और जब वो चट्टान बर्फ में स्थित होता है, चट्टानों में स्थित होता है, तो मौसम में परिवर्तन के कारण वो आकार ज्यादा लेते जाता है और चट्टाने छिन्न टूटते टूटने लगती है। इस प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला है स्थितिकरण में वृद्धि की, खनिजों में समुद्र की लहरें टकराने से
अवक्षय होता है, उसमें रहने वाले जो खनिज है वो बार बार समुद्र की लहरों को टकरा देते हैं, टकराते हैं, तो ये भी अवक्षय का कारण होता है। अभी दबाव से मुक्ति की दबाव से मुक्ति या प्रभाव से मुक्ति, ऐसी चट्टाने केवल तापमान बढ़ने से नहीं होती और उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। चट्टानों के ऊपरी परत और निचले परत और अंदर की परत में दबाव, कभी चट्टानों के ऊपरी परत में दबाव आता है, कभी उसके अंदर की परतों में दबाव आता है, और इस कारण से वो दबाव निचली परत तनाव रहित हो जाती है और इस कारणों से भी अपक्षय होता है। आखिरी हमने देखा जल। जल कुछ जो प्रदेश है वहां पर वर्षा की अधिकता के कारण भी अपक्षय होता है, और ये बालुकाश्म हम देख सकते हैं कि बहुत चट्टाने बहुत सारे खनिजों मिट्टी से मिला जुला रूप होती है। अत्यधिक वर्षा के संपर्क में आने के कारण चट्टानों में स्थित मिट्टी क्या होती है, पिघलने लगती है। तो तब तो क्या होता है कि चट्टानों में अवक्षय हो जाता है। तो बच्चों आप आज समझ गए होंगे कि अपक्षय और अपपर्ण किन किन कारणों से होता है। चट्टानों के टूटने फूटने से, चट्टानों में कमजोरी कमजोरी आने से जो प्राकृतिक क्रिया होती है उसे अपक्षय कहते हैं, और अपक्षय के मुख्य तीन प्रकार है। किन कारणों से भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, हमने अभी बहुत सारी आकृतियां देखे कि कौन कौन से, मतलब अपक्षय के तापमान में परिवर्तन से, जल के टकराव से, खनिजों के सिकुड़न से, प्रसरण से, और दबाव में मुक्ति और प्रभाव से मुक्ति, इन कारणों से अपक्षय होता है। तो मैं उम्मीद करती मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपक्षय किस प्रकार होता है।
और जो बाह्य घटक भी है प्रकृति में वो सौर ऊर्जा, गुरुत्व बल और पृथ्वी के पृष्ठभाग से बहने वाली गतित ऊर्जा, ये भी सभी अपक्षय के प्रमुख कारण होते हैं।
हाँ मैडम, सर आवाज नहीं आ रहा होगा क्या मैडम लेक्चर आपका? नहीं सर, क्या हो क्या अपशय हुआ और अपशय के अपशय किन किन कारणों से होता है? तो भौतिक भौतिक अपशय, रासायनिक अपशय और जैविक अपशय। और ये अपशय पर मौसम का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो शुष्क मौसम, नमीयुक्त मौसम, शुष्क मौसम में किस प्रकार का अपशय होता है? तो भौतिक अपशय का प्रभाव अधिक होता है। शुष्क जहाँ मौसम होता है वहां पर भौतिक अपशय अधिक मात्रा में दिखाई देता है। और नमीयुक्त तो मौसमों में रासायनिक अपशय दिखाई देता है और सजीवों के द्वारा। भौतिक जैविक अपशय होता है फिर हमने एक प्रयोग करके देखा कि प्याज के छिलके जिस तरह निकल रहे हैं उसी तरह क्या हो रहा है कि ऐसी प्रक्रिया खुले पड़ी हुई चट्टानों के साथ होती है, उसकी परत दर परत निकलते जाती है। चट्टानों के जो अंदर का भाग होता है वो अत्यधिक तृप्त गर्म होता है और उसकी अपेक्षा उसका जो अंदर का भाग है वो ठंडा होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है चट्टानों की ऊपरी परत पर गर्म होने से ये परतें क्या होती है, छिलके के समान खुलती जाती है। और इसको हमने एक चित्र के माध्यम से देखा कि किस तरह ये चट्टाने परत दर परत निकल रही है, इसे अपपर्ण कहते हैं। और हमने देखा कि जो भौतिक अपशय है उनपे प्रभाव डालने वाले कौन कौन से घटक है। तो पहला घटक है तापमान। तापमान में हमने देखा कि तापमान में प्रसरण, सिकुड़न इस प्रकार से होता है। और ये प्रसरण सिकुड़न तापमान में कमी ज्यादा के कारण होते हैं। कौन कौन से खनिज कम अधिक कोई खनिज कम तापमान पर पिघलते हैं, कोई खनिज ज्यादा तापमान पर पिघलते जाते हैं। तो इस प्रकार जो खनिज का प्रसरण सिकुड़न ये उनकी उनकी गुणधर्म के अनुसार होता जाता है। तो ये प्रसरण और सिकुड़न जो होता है वो चट्टानों के में निहित खनिजों के द्वारा जो तापमान में अंदर प्रतिसाद भिन्न भिन्न, मतलब प्रत्येक खनिज अपने प्रतिसाद भिन्न भिन्न देते हैं। तो ऐसे खनिजों के प्रसरण और सिकुड़न से चट्टानों में अपशय होता है। और जो अपशय इस प्रकार की अपशय मतलब तापमान में अधिकता कहाँ दिखाई देती है, तो जहाँ उष्ण प्रदेश है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, तो वहां पर हम इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। और तुषार, जैसे एक बर्फ बर्फ क्या करता है, आकारमान पानी की अपेक्षा आकारमान में ज्यादा होता है और ज्यादा आकार घेरता है, यही वो बर्फ बनता है। वो क्या होता है, आकार ज्यादा घेरता है, ज्यादा लेता है आकार, कारण से में टकराव और टकराव होता है और चट्टानें टूटी जाती है और ये भी अपशय का एक मुख्य कारण है। उसके बाद रासायनिक पदार्थ जो है समुद्र तट में जो स्थित रासायनिक समुद्र लहरें उसके तटों से टकराती है। इस तरह बार बार टकराने से समुद्र में जैसे हम लोग समुद्र का पानी कभी टेस्ट करके देखते हैं या थोड़ा सा मुंह में लेके देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, हमें नमक की मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है। तो यही पानी, यही क्षार युक्त पानी, रासायनिक पदार्थ मतलब शक्कर, नमक, जैसे अन्य खनिज पदार्थ ले सकते हैं हम लोग, तो इसी प्रकार के खनिज से मिला हुआ पानी
ये जब समुद्र की लहरों से टकराता है तो उसमें भी अपक्षय होता है, और हमने उसकी आकृति में देखा कि क्षारयुक्त जो पत्थर पे छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं वो क्षारयुक्त अपक्षय है। उसके बाद दबाव में मुक्ति और प्रभाव में मुक्ति, चट्टानों में स्थित जो तापमान होता है उसमें कभी अंदर की ऊपर की परत में अत्यधिक दबाव होता है, कभी अंदर की परत में अधिक दबाव होता है। तो इस प्रकार के दबाव से और दबाव रहित दोनों प्रकार से भी चट्टानों में अपक्षय निर्माण होता है, तो ये भी अपक्षय का एक मुख्य कारण होता है। और आखिरी में हमने जो देखा कि जल, जल भी क्या है, बहुत सारी हमने पहले देखा है कि बहुत सारी चट्टाने क्या होती है, बहुत सारे खनिजों मिट्टी मिट्टी से मिलकर बनी होती है। जैसे ही वो जल के संपर्क में आती है, मतलब मिट्टी जल के संपर्क में आएगी, हमने एक लड्डू का उदाहरण देखा कि वो किस तरह उसके जो दाने दाने हैं, उसके जो कण है वो क्या होते हैं, हमारे दबाव से और उसमें घी और दूध से वो क्या होता है, दबाव एक दूसरे को पकड़ जमा के रखते हैं। उसी प्रकार मिट्टी भी क्या करती है, बहुत सारे खनिजों पत्थर से अपने अंदर एक जमाव बना के रखती है। जिसी तरह वो पानी के संपर्क में आ जाती है तो वो क्या होता है, उसका पिघलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार मतलब चट्टानों के हमने आज अपक्षय और अपपर्ण के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। हेलो, हेलो, देखा कि अपक्षय और अपपर्ण के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से ये फैलता है, किन कारणों से ये अपपर्ण और अपक्षय होता है, कि चट्टानों की कमजोरी के कारण, उनके सिकुड़ने के कारण, तापमान में बदलाव के कारण, और बहुत सारे जो कारण है, जैविक है, रासायनिक है, ये सभी जो कारण है वो अपक्षय के कारण है। और उसके प्रकार हमने देखे कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। और उसके बाद अपक्षय का हमने देखा कि अप यानी बड़ा नाश होता है, बड़ा, और क्षय यानी नाश, यानी अप और क्षय, बड़ा नाश। उसके हमने प्रकार देखे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। उसके बाद हमने देखा कि अपपर्ण, चट्टानों की जो ऊपरी परतें हैं वो छिलकों के समान खुलती जाती है, इसके कारण अपपर्ण होता है। और हमने भौतिक अपक्षय के उदाहरण देखे, मतलब आकृतियां देखी कि कुमुदगा टीले, ये अपपर्ण के उदाहरण है, खंडित विखंडित, छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न में हम लोग ने देखे कि बर्फ, ये तुषार, तुषार का उदाहरण देखिए कि बर्फ किस प्रकार चट्टानों में स्थित होने से पानी स्थित रहता है चट्टानों में, और वो जब बर्फ बनता है और बर्फ ज्यादा आकार लेता है, उसी आकार लेने की स्थिति में क्या होता है, बर्फ छिन्न भिन्न हो जाती है। उसके बाद हमने देखे कि जो भौतिक अपक्षय के जो कारण है वो कौन कौन से है, मतलब किन किन कारणों से भौतिक अपक्षय घटित होता है, तो उसके कारण है तापमान है, संघनी भवन है, सपटीकरण में वृद्धि है, और दबाव में मुक्ति और दबाव रहित इससे भी होता है, और जल। इस प्रकार हमने आज अक्षय, अपपर्ण और अपक्षय के कारणों के बारे में आज जानकारी प्राप्त की, और उम्मीद है कि आपको ये जो पाठ है, बाह्य भूगोल का पाठ नंबर 3, बाह्य प्रक्रिया का अपक्षय और अपपर्ण, अच्छी तरह से समझ में आया होगा।